हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। माई सेल्फ शुभम गोस्वामी और आप सभी की तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो 12th में है और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश के उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगा जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिया है वो सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुके हैं और इस बार भी चांसेस है कि यही क्वेश्चन आए। ठीक है, मैं आपको इस समय 12th इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूं, बाकी के जो टॉपिक्स हैं आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग, ठीक है, स्टैंजा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। लेकिन सबसे पहले आपका ग्रामर जो है स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप लोग इंग्लिश प्रोज पोएट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश ग्रामर के 7 टॉपिक्स को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, एक टॉपिक नहीं, दो टॉपिक नहीं, पूरे 7 टॉपिक्स को। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला टॉपिक देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला टॉपिक हमारा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। सबसे पहले आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन ही रहेगा। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। सिंपल सा है, जैसे देखिए फर्स्ट है, रोहन सैड आई शैल गिव यू ये 100 रुपी नोट नाउ। यानी कि रोहन ने कहा मैं तुम्हें 100 रुपए का नोट दूंगा, मैं तुम्हें अब 100 रुपए का नोट दूंगा। नाउ का मतलब क्या होगा, अब। ठीक है, तो रोहन सैड, रोहन, अब यहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। देखिए क्या कहा जा रहा है, रोहन ने कहा मैं तुम्हें अब 100 रुपए का नोट दूंगा। ठीक है, तो किससे कहा, मोहन ने मुझसे कहा। ठीक है, तो यहां पर मी छिपा हुआ है, रोहन सैड टू मी, अब इसको मान सकते हैं। ठीक है, मी छिपा हुआ है, रोहन ने मुझसे कहा मैं तुम्हें अब 100 रुपए का नोट दूंगा, तो मी छिपा हुआ है, इतना ध्यान देना है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसको कैसे, देखिए पहले लिखेंगे रोहन। ठीक है, अब देखिए सैड के स्थान पर यहां पर सैड टू मी आप मान सकते हैं, तो उसको हम लिखेंगे टोल्ड। ठीक है, फिर हम लिखेंगे मी, मी आपको मान लेना है क्योंकि यहां पर मी छिपा हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, थोड़ी थोड़ी गलतियां आपको नहीं करनी है। ठीक है, बीच में लगाएंगे दैट। अब देखिए आई है, आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है रोहन, रोहन के लिए हम सब्जेक्ट किसका यूज करेंगे, ही का। ठीक है, तो ही हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, सेल बिल लगा हुआ है। ठीक है, तो जब सेल बिल लगा है तो सेल को हम सुड में कन्वर्ट करते हैं और बिल को उड में, जब इनडायरेक्ट में बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर सेल के स्थान पर क्या कर देंगे, देखिए ही है तो ही के साथ तो हम उड का ही यूज करेंगे, क्योंकि आई तथा बी के साथ हम सुड का यूज करते हैं, बाकी के साथ हम उड का यूज करेंगे। ठीक है, तो ही उड। आप गिव लिखेंगे, यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी, देखिए मी हमने मान रखा है, मी के लिए हम क्या लिखेंगे, यहां पर ही है तो ही के लिए, मी के लिए हम क्या लिखेंगे, आई शैल गिव यू। ठीक है, तो ही वुड गिव मी, ठीक है, मी लिख देंगे, मी ये 100 रुपी नोट, यहां पर मैं लिख देता हूं। ठीक है, 100 रुपी नोट, 100 रुपी नोट। ठीक है, अब नाउ किस में बदल जाएगा, नाउ बदल जाएगा देन में, क्योंकि नाउ को हम देन में कन्वर्ट कर देते हैं जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। रोहन टोल्ड मी डैट ही वुड गिव हिम गिव मी ये 100 रुपी नोट। ठीक है, अब ये आपका सही है, फर्स्ट वाला हो गया। चलिए सेकेंड वाला देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा सेकेंड वाला है इसको समझिए। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे, देखिए द डॉक्टर सैड टू द पेशेंट। ठीक है, फिर यहां पर कॉमा, इनवर्टेड कॉमा रहेगा, डोंट स्मोक सिगरेट, यानी कि डॉक्टर ने रोगी से कहा, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा डोंट स्मोक सिगरेट, सिगरेट मत पियो। तो देखिए यहां पर सबसे पहले पहचानिए कौन सा सेंटेंस है, देखिए डोंट स्मोक सिगरेट, यहां पर एडवाइस दिया जा रहा है, तो ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस में हम सैड टू के स्थान पर क्या लिखते हैं, जो आपके रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है उसी के अनुसार हम लिखेंगे। यहां पर डॉक्टर पेशेंट को एडवाइस दे रहा है तो हमें
एडवाइज्ड लिखेंगे, ठीक है। अगर ऑर्डर देता तो ऑर्डर्ड लिखते, अगर रिक्वेस्ट करता तो रिक्वेस्टेड लिखते, ठीक है। यहां पर एडवाइस दे रहा है कि सिगरेट मत पियो वरना आपका फेफड़ा भी गड़बड़ हो सकता है, तो एडवाइस दिया जा रहा है तो लिखेंगे द डॉक्टर, द डॉक्टर सैड टू के स्थान पर लिख देंगे एडवाइज्ड, एडवाइज्ड द पेशेंट, ठीक है, द पेशेंट। अब देखिए हम जब इंपरेटिव को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो टू का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर डोंट है तो डोंट है यानी कि निगेटिव है, तो नॉट टू का यूज करेंगे, ठीक है, नॉट टू, नॉट टू स्मोक सिगरेट, ठीक है। सिगरेट, सिगरेट का स्पेलिंग देख लीजिएगा यहां पर, तो द डॉक्टर सेड टू के स्थान पर एडवाइज्ड द पेशेंट नॉट टू स्मोक सिगरेट, ठीक है। तो हम इंपरेटिव में टू का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर देखिए टू से हम ऐड करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच को, लेकिन नॉट लगा हुआ तो नॉट टू लिखेंगे, ठीक है। तो इसको भी समझ लीजिए, दोनों समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, थोड़ा उल्टा दे दिया गया, पहले रिपोर्टेड स्पीच दिया गया है तब रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए डोंट शाउट द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी कि चिल्लाओ मत, अध्यापक ने छात्रों से कहा, विद्यार्थियों से कहा, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा यहां पर दे दिया गया है, ठीक है, और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो यहां पर दे दिया गया है। इसको कैसे बनाएंगे, तो आपका अगर आगे पीछे भी रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच दिया गया है तब भी आपको पहले रिपोर्टिंग वर्ब ही लिखना है, तो हम पहले इसको लिखेंगे द टीचर। अब ध्यान दीजिए ये कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। उसके बाद में देखिए टीचर ने स्टूडेंट से कहा डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, तो उन्होंने क्या कहा, उनको मना किया, ठीक है। तो मना करने के लिए हम सेड टू के स्थान पर फॉरबेड का यूज करते हैं, ठीक है, तो लिखेंगे द टीचर फॉरबेड, फॉरबेड का मतलब होता है मना करना, ठीक है। तो इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, फॉरबेड, ठीक है, फॉरबेड द स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टू डेंट्स, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना, जब भी आप फॉरबेड का यूज करें इनडायरेक्ट में तो आपको नॉट का यूज फिर नहीं करना है। देखिए यहां पर है डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, तो हमें क्या लिखना चाहिए, अब हमें लिखना चाहिए नॉट टू शाउट, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपने सेड टू के स्थान पर फॉरबेड का यूज किया है तो आपको नॉट नहीं लगाना है, यहां पर लिख देना है टू शाउट, टू साउट, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर आपने सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड का यूज किया है तो फॉरवर्ड खुद में निगेटिव है, यहां पर आपको नॉट टू लिखने की जरूरत नहीं है, टू साउट लिख देना है डोंट साउट के स्थान पर, ठीक है। तो द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट टू साउट, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, तो ये आप लोग रूल याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। अब सिंथेसिस तो सभी को पता है क्या होता है, सिंथेसिस का मतलब होता है दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, बट मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है सी वेंट आउट, वह बाहर निकली, ठीक है, सी वाज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही थी, तो वह बाहर निकली, वह मुस्कुरा रही थी, दो सेंटेंस है यहां पर, दो सेंटेंसेस को जोड़कर आपको एक सेंटेंस बनाना है, वो भी कौन सा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, जो ऊपर कहा गया वही नीचे भी होना चाहिए। तो कैसे लिख देंगे, देखिए लिखेंगे हम सी बेंट आउट, बेंट आउट स्माइलिंग, ठीक है, स्माइलिंग, इसका हिंदी क्या होगा बताइए, वह मुस्कुराते हुए बाहर निकली, ऊपर क्या था, वह मुस्कुरा, वह बाहर निकली, वह मुस्कुरा रही थी, नीचे क्या है, वह मुस्कुराते हुए बाहर निकली, दोनों का मीनिंग सेम है बट मैंने इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसे दूसरा देखिए, इसको समझना है आपको, द फॉक्स, ठीक है, द फॉक्स सा सम ग्रेप्स, लोमड़ी ने कुछ अंगूर को देखा, ठीक है, द ग्रेप्स वेयर हैंगिंग ओवर द गार्डन वॉल्स, जो अंगूर हैं वो बगीचे की दीवार से लटक रहे थे, ठीक है, बगीचे की दीवार से वो लटके हुए थे, तो लोमड़ी ने कुछ अंगूर को देखा, अंगूर बगीचे की दीवार से लटक रहे थे, ठीक है। यहां पर हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए लिखेंगे द फॉक्स, द फॉक्स सा सम ग्रेप्स, सम ग्रेप्स Which बियर, which लगा देंगे बीच में, ठीक है, which का मतलब जो, which बियर
व्हिच बियर, ठीक है, हैंगिंग हैंगिंग ओवर द गार्डन वॉल्स, ठीक है, यहां पर लिख दूंगा मैं गार्डन वॉल्स, ठीक है। तो क्या है, द फॉक्स सा सम ग्रेप्स व्हिच बियर हैंगिंग ओवर द गार्डन वॉल्स, ठीक है, यानी कि लोमड़ी ने कुछ अंगूर को देखा जो गार्डन यानी कि बगीचे की दीवार से लटक रहे थे। बीच में मैंने व्हिच लगा दिया, ये आपका कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, बीच में मैंने क्या लगाया है, व्हिच लगा दिया, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो मीनिंग सेम है बट मैंने एक सेंटेंस बना दिया, इसी को हम कहेंगे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, ही इज लेजी, वह आलसी है, ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, उसने अच्छे अंक प्राप्त किए, वह आलसी है, उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। इसको आपको कन्वर्ट करना है कंपाउंड सेंटेंस में, ठीक है, किसमें कन्वर्ट करना है आपको, कंपाउंड सेंटेंस में। कैसे करेंगे देखिए, तो सिंपल सा है, देखिए हम लिखेंगे ही इज लेजी, अब बीच में हम लगा देंगे एट, एट का मतलब होता है फिर भी, एट ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, ठीक है। तो ही इज लेजी, वह आलसी है, एट फिर भी ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। तो वह आलसी है फिर भी उसने अच्छे अंक प्राप्त किए, फिर भी एट मैंने लगा दिया, यानी कि आपका ये कंपाउंड में कन्वर्ट हो चुका है, एट का यूज मैंने कर दिया, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कहां पे क्या यूज करना है, ठीक है, इसको भी नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है, परिवर्तित करना, वही सेम चीज लगभग है। देखिए फर्स्ट है, मोहन इज द मोस्ट स्टडियस बॉय इन द क्लास, ठीक है, यानी कि मोहन कक्षा में सबसे पढ़ने वाला व्यक्ति है, सबसे ज्यादा पढ़ने वाला, सबसे अध्ययनरत व्यक्ति है, ठीक है, स्टूडेंट है, ठीक है। तो मोहन इज द मोस्ट स्टडियस बॉय इन द क्लास, मोहन क्लास में सबसे ज्यादा पढ़ने वाला, अध्ययन करने वाला लड़का है, ठीक है, विद्यार्थी है। तो यहां पर द मोस्ट स्टडियस आ गया, ये कौन सा डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि द के बाद आपका है, ठीक है। तो इसको आपको बदलना है पॉजिटिव डिग्री में। कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया, यहां पर हम लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे नो अदर, ठीक है, नो अदर। तो मोहन इज द मोस्ट स्टडियस बॉय, लड़का है, ठीक है, तो नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो स्टडियस एज मोहन, ठीक है। तो यहां पर क्या है, कोई भी लड़का क्लास में इतना अध्ययनरत, इतना पढ़ने वाला नहीं है जितना कि मोहन, ठीक है, मोहन के अलावा कोई भी लड़का इतना अध्ययनरत क्लास में नहीं है, इतना पढ़ने वाला लड़का नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री, नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो स्टडियस एज मोहन, ठीक है। तो इसको आपको समझ लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सुपरलेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करें। अब नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, धूम्रपान सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है, इसको आपको बदलना है इंट्रोगेटिव में, बट इसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे इज स्मोकिंग इंजीरियस, इज स्मोकिंग के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, फिर से मैं लिख देता हूं, देखिए इज स्मोकिंग नॉट इंजीरियस टू हेल्थ
हेल्थ, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए, क्या धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक नहीं है? इज स्मोकिंग नॉट इंजीरियस टू हेल्थ? ऊपर क्या था, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। नीचे मैंने जब इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट किया तो देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव भी आप बना सकते हैं। तो इज स्मोकिंग नॉट इंजीरियस टू हेल्थ, क्या धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक नहीं है, मीनिंग सेम है बट मैंने इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे देखिए थर्ड नंबर, अब देखिए स्टूडेंट जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है ये क्या है, प्लीज ब्रिंग मी ये बुक, कृपया मेरे लिए एक किताब लाओ। ये कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसको आपको कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में बदलना है, ट्रांसफॉर्म करना है। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, देखिए प्लीज लगा है तो यू आर रिक्वेस्टेड हम लिखेंगे, ठीक है, समझ में आया। इंपरेटिव में तो लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, क्योंकि प्लीज लगा है तो रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड। अब लिखेंगे आपको क्या लिखना है, देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग, टू ब्रिंग, फिर लिखना है ए बुक, ए बुक, अब टू लगाकर आपको कर देना है, टू लगाकर मी लिख देना है, ठीक है, टू मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग ये बुक टू मी। अब ये आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो चुका है, तो अगर प्लीज लगा है तो आपको आगे यू आर रिक्वेस्टेड का यूज करना है, फिर टू ब्रिंग आपका हो गया, ठीक है, ए बुक टू मी, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है, समझ में आ गया, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है बताइए, सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज। अगर सेंटेंस में कोई भी गलती है उसको आपको करेक्ट करके सही करके लिखना होता है सिंटैक्स में, ठीक है। जैसे देखिए फर्स्ट है, सी हैव संग ये सांग, उसने एक गाना गाया है। अब देखिए ध्यान दीजिए आप, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि इसमें हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। अब आप लोग गलती तो समझ गए होंगे, देखिए सी ही सी तथा एकवचन कर्ता के साथ हम हैव का नहीं यूज करते हैं, हम हैज का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हैव के जगह पर हैज रहेगा, इतनी सी गलती थी। अब यही गलती अगर आप नहीं पकड़ पाए तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सी हैज संग ये सॉन्ग, उसने एक गाना गाया है। तो ही सी इट तथा एकवचन कर्ता के साथ हम हैज का यूज करते हैं, आई बी यू दे, ठीक है, इसके साथ हम हैव का यूज करते हैं, समझ में आ गया। दूसरा देखिए, व्हाई आर यू अफ्रेड फ्रॉम हिम, तुम उससे क्यों डरते हो, ठीक है, इसमें गलती क्या है देखिए, थोड़ा सा आपको समझना है, तुम उससे क्यों डरते हो। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, लिखना है व्हाई आर यू, आर यू, अब देखिए अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ का यूज हम करते हैं, फ्रॉम का यूज नहीं करते, ठीक है, तो अफ्रेड ऑफ हिम, तुम उससे क्यों डरते हो, तो अफ्रेड के साथ हम ऑफ का यूज करेंगे, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तीसरा देखिए, द कैनबेरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, इसमें गलती क्या है देखिए, कैनबेरा राजधानी है, इसके आगे हम द का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ कैनबेरा लिखेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे कैनबेरा, कैनबेरा इज द कैपिटल, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, तो कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अब ये सही है, नोट कर लीजिए, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी गलतियां थी वही आपको सही करना है, जल्दी नोट कीजिए। चलिए पांचवा टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट जो हमारा पांचवा टॉपिक है वो है आइडियम्स एंड फ्रेजेस। आइडियम्स एंड फ्रेजेस में आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप दिया जाएगा, आपको इसका आंसर लिखना। जैसे देखिए फर्स्ट है आउट एंड आउट, अब आपको इसका सही मीनिंग लिखना है। पहले आपको क्या करना होता था, मीनिंग लिखकर सेंटेंस में यूज करना था, लेकिन अब आपको मीनिंग लिखना है। जैसे देखिए आउट एंड आउट, इसका मतलब क्या होगा, से होकर या से के माध्यम से, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, ए है नो मोर, बी है थ्रोली, सी है इन फेवर ऑफ, डी है डीडली, तो इसका मीनिंग हो जाएगा थ्रोली। आउट एंड आउट का मतलब होता है थ्रोली, के माध्यम से या से होकर, ठीक है, तो इसका मीनिंग होगा थ्रोली। तो आपको सिर्फ मीनिंग चूज करना है कि इसका सही अर्थ क्या होगा। दूसरा देखिए पुट अप विद, ठीक है, पुट अप विद का मतलब क्या होता है, सहन करना, पुट अप विद का मतलब होता है सहन करना, तो ए है वेलकम, बी है टेक इजीली, सी है रिमेन सैटिस्फाइड विद, डी है टॉलरेट, तो इसका आंसर हो जाएगा टॉलरेट, टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना, ठीक है, तो पुट अप विद का मीनिंग होगा टॉलरेट, रेट, सहन करना। ऐसे तीसरा देखिए विथ ओपन आर्म्स, ऐसे ही आपको सही मीनिंग चूज करके टिक करना है बस, ठीक है। अब देखिए विथ ओपन आर्म्स, ठीक है, यानी कि दिल से, ओपन आर्म्स, दिल से या उत्साह से, ठीक है,
समझ में आ गया। तो ए है वार्मली, बी है कोल्ड ब्लूडेड, सी है रिसेंबल, डी है कोल्डली। तो इसका आंसर हो जाएगा वार्मली। वार्मली का मतलब भी होता है दिल से या उत्साह से, ठीक है। तो विथ ओपन आर्म्स का मीनिंग होगा वार्मली। तो आपको सिर्फ मीनिंग लिखना है, बस सिंपल सा है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, देखिए ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, ठीक है। मल्टीपल क्या है, सिनोनिम। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हो। जैसे देखिए बिजी, बिजी का मतलब क्या होता है, मैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी हूं, मैं व्यस्त हूं, ठीक है। बिजी का मतलब व्यस्त। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ए है आइडल, बी है ऑक्यूपाइड, सी है क्वाइट, डी है लेजी। तो ऑक्यूपाइड का मतलब भी होता है व्यस्त, बिजी का मतलब भी होता है व्यस्त, ऑक्यूपाइड का मतलब भी होता है व्यस्त। तो देखिए दोनों के अर्थ समान है बट वर्ड अलग अलग है, यही होंगे एक दूसरे के सिनोनिम, समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हो। दूसरा देखिए बैटल, बैटल का मतलब होता है लड़ाई, तो और किसका मतलब लड़ाई होता है, ए है चेक, बी है क्विबल, सी है पीस और डी है फाइट। फाइट का मतलब भी लड़ाई होता है, सभी को पता है, ठीक है। तो बैटल का मतलब लड़ाई, फाइट का मतलब भी लड़ाई, ठीक है, फाइट। समझ में आ गया। सी देखिए कैंडिड, कैंडिड का मतलब क्या होता है, अस्पष्टवादी, ठीक है, कैंडिड का मतलब अस्पष्टवादी। तो इसका क्या होगा, ए है एपरेंट, बी है फ्रैंक, सी है एक्सप्लिसिट, डी है ब्रिंग, ब्राइट, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन राइट, फ्रैंक। कैंडिड का मतलब होता है अस्पष्टवादी, फ्रैंक का मतलब भी होता है अस्पष्टवादी। दोनों का मीनिंग सेम है, अर्थ सेम है, ये आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे, समानार्थी शब्द, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। अब हम अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, देखिए एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हो। तो इसका सिर्फ मैं एक ही क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ठीक है, सिर्फ एक। देखिए मोर्टल, मोर्टल का मतलब होता है नश्वर, ठीक है, नश्वर। तो देखिए मैन इज मोर्टल, आदमी नश्वर है क्योंकि कोई अमर नहीं है, सभी लोग नश्वर हैं, ठीक है, सबको आना, जो आया है उसको जाना है। तो ए है इमोर्टल, बी है स्पिरिचुअल, सी है डिवाइन, डी है इटर्नल। तो मोर्टल का इमोर्टल हो जाएगा, देखिए ये वाला ऑप्शन राइट होगा, थोड़ा पास पास में दे दिया गया ऑप्शन, तो इसको आपको समझना है। तो मोर्टल का हो जाएगा इमोर्टल, मोर्टल का मतलब होता है नश्वर, इमोर्टल का मतलब होता है अमर, ठीक है। तो आप इमोर्टल नहीं है, आई एम नॉट इमोर्टल, मैं अमर नहीं हूं, ठीक है, मैं जो है मोर्टल हूं, मैं नश्वर हूं, ठीक है, यानी कि जो अमर ना हो उसको हम नश्वर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो ये हमारे 7 टॉपिक हो चुके हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एंटोनिम्स पढ़ा, सिनोनिम्स पढ़ा और एडिम्स एंड फ्रेजेस पढ़ा, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस एंड हमने पढ़ा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। तो हमने 12th इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 7 टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया ताकि 7 टॉपिक आपका एक साथ क्लियर हो जाए। कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो, कमेंट करके बताएं, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।